हेलो मेरे दोस्तों ब्रो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा हैरियर की टेस्ट ड्राइव वीडियो। ये मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था ये गाड़ी कैसे चलती है, तो आज मैं आपके लिए इसका एक ओपिनियन दूंगा कि मुझे ये गाड़ी कैसे लगी चला के। एंड मेरे साथ हैं मिस्टर आदित्य। सो सर, मैं आपको पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने सर टेस्ट ड्राइव हमें प्रोवाइड कराई। सो गाइज, इस गाड़ी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो आपको 143 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क देगी। 6-speed गियरबॉक्स के साथ आती है। और सबसे एक अच्छी बात, इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो सर रेंज रोवर से, हाँ वो जो प्लेटफॉर्म है वो रेंज रोवर का D8 प्लेटफॉर्म है। ओके। और सेम जो रेंज रोवर की चेसी है, सेम उसी चेसी पे इनबिल्ट ये हैरियर कार है। ओके, तो उससे क्या फायदा, मतलब इसकी राइड और हैंडलिंग ज्यादा अच्छी होगी? उसका बेनिफिट एक तो प्रॉपर जो SUV है वो रेंज रोवर है, और अगर हम इस कॉम्पैक्ट SUV की बात करते हैं तो इसकी जो स्टेबिलिटी, कंफर्ट, और जब आप ड्राइव करते हो तो आपको रोड के ऊपर एक ड्राइव ऑन कमांड, मतलब रोड पे एक कमांडिंग महसूस होती है जब आप ड्राइव करते हो, जो आप फील कर ही रहे हो। एग्जैक्टली। और इस टॉप वेरिएंट में दोस्तों आपको टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम भी मिलेंगे, जो एक मड है, एक रॉक है, रॉक मोड, रफ मोड और वेट मोड के साथ आती है। और हिल स्टार्ट असिस्ट वाले फीचर भी है इसमें, और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है ना सर? बिल्कुल। सो यू गेट एवरीथिंग। बाकी आपने इसका वीडियो देख रखा होगा मेरे चैनल पे, जो मैंने डाल दिया पूरा इसका जो फीचर लिस्ट के बारे में, जो हमने बनाया था वॉक अराउंड वीडियो, वो अपलोडेड है। XM वेरिएंट का भी वीडियो अपलोडेड है। और इसमें गाइस, सबसे पहली बात जो एक एज अ, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कि आपका जो व्यू काफ़ी कमांडिंग है। यू कैन सी द बोनट, मेरे को बोनट भी दिख रहा है। आई एम सिटिंग क्वाइट हाई। 8-way एडजस्टेबल ये सीट मिलेगी आपको, सो आप हर तरीके से सीट को एडजस्ट कर सकते हो। एंड विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप इतनी बड़ी SUV चला रहे हो, इतने बड़े बड़े साइड मिरर्स आपको दे रखे, तो सबसे पहले विजिबिलिटी, आप हर तरफ से अच्छे से गाड़ी को देख सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, ऊपर से जो स्टेयरिंग फीडबैक है काफ़ी अच्छा है। यू वॉन्ट फील लाइक जैसे कि आप बहुत ही हैवी गाड़ी चला रहे हो। जैसे कि इसका साइज़ है, जो बल्क है, बल्क और साइज़ के मामले में हैरियर का कोई मुकाबला नहीं है। इट्स इवन मोर बल्कियर देन द जीप कंपस, जो इसके मतलब मुकाबले में आती है क्लोज, बट प्राइस ऑफ कोर्स जीप कंपस का काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी से। राइट नाउ आई एम इन ड्राइविंग दिस कार इन स्पोर्ट्स मोड। आप इसको इको मोड में भी चला सकते हो, और सिटी मोड 3 मोड्स में आती है गाड़ी, बट मैं अभी आउट ऑन द हाईवे तो मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में रखा है। 120 के पास मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वेरी स्टेबल। रोड नॉइज वगैरह भी आपके अंदर फिल्टर नहीं हो रही है गाड़ी की, काफ़ी कह सकते हो कैबिन शांत है बाहर से, आपको यू वॉन्ट फील एनी काइंड ऑफ नॉइज़। सो दोस्तों, अब ये टॉप गियर में है गाड़ी, अब हम इसकी ना स्पीड को 40 तक लेके जाएंगे और देखते हैं कि नॉक करती है या मतलब इट डिमांड गियर कि इसको छोटे गियर में कर लो, तो वही अब हम चेक करेंगे कि क्या होता है। ये गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगी, बिल्कुल झटके नहीं लगेगी। ओके सर ने कहा ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगी, झटके नहीं, तो वही चेक करते हैं। सो गाइज, 40 पे मैंने छोड़ दिया, ना मैं रेस दे रहा हूँ, ना मैंने ब्रेक दबाई है, ना मैंने क्लच दबाया, अपने आप रेस बढ़ रही है। एंड कोई नॉक नहीं किया इंजन ने कि कड़च कड़च करेगी, मतलब कि मेरे को शिफ्ट करूं गियर। सो अपने आप गाड़ी ने एक स्टेबल स्पीड, जो 6th गियर के हिसाब से स्टेबल है, 60 पे आके रुक गई है। नाउ ये बढ़ नहीं रही है, नाउ आई हैव रेस एंड इट्स पिकिंग, उसी गियर में से दोबारा पिक कर लेगी। गाइस, गियर 60 है और ये देखिए आराम से पिक कर लिया है। नाउ इट्स 80, नाउ इट्स कंटिन्यूसली रेजिंग स्पीड अराउंड 1800 RPM पे। 100 की स्पीड, 6th gear है इस गाड़ी का। सो दोस्तों, उसके बाद इसके सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। छोटे मोटे खड्डों का आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कब उनके ऊपर से निकल गई, और जो बड़े खड्डे उनमें भी काफ़ी अच्छे से टैकल कर रही है गाड़ी। एंड इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm की मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा है इस सेगमेंट के हिसाब से। एंड अगर इसके इनिशियल पहले दो गियर्स की बात करूँ तो थोड़ा सा इतना उठता नहीं इंजन, जब टर्बो किक इन करता है 1800 RPM के बाद तो गाड़ी बिल्कुल उठती है फिर। सो यू कैन यू नो पुल इट ऑल द वे टू 150-160 तक इसको आराम से लेके जा सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको गियर रेशियो के साथ खेलना पड़ेगा इस गाड़ी में।
सो गाइस अगर इसकी पुलिंग पावर की बात करूँ तो पुलिंग पावर गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, फोर्थ गियर आराम से आप 100 तक लेके जा सकते हो। एंड अभी आई एम ड्राइविंग इन फिफ्थ गियर, तो देखते हैं कि कितनी ऊपर तक जाता है इसका। ओवर स्पीड वार्निंग आ चुकी है, तो 40 पे गाड़ी थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी, वेरी स्टेबल। मैं कह सकता हूँ हाई स्पीड पे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, सो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसा गाड़ी का साइज़ है उस हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। सो दोस्तों ये थी हैरियर आपके लिए। अगर इसके चलने के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गाड़ी अच्छा चलती है, गियर शिफ्ट थोड़े और स्मूथ हो सकते थे, क्लच भी थोड़ा सॉफ्ट होता तो मज़ा आता। पहले और दूसरे गियर में आपको थोड़ा ज़्यादा पुल करना पड़ेगा सो टर्बो खुल सके इसका। व्हेन टर्बो किक्स इन यू कैन टच गुड सीरियस स्पीड इन दैट। बॉडी रोल अंडर कंट्रोल था, चेसी पूरा सपोर्ट कर रही थी। आई विश गाइस गाड़ी में थोड़ी सी पावर और होती तो और ज़्यादा मज़ा चलाने में आता। और वन थिंग आई नोटिस कि जब भी हम इसके गियर शिफ्ट कर रहे थे तो थोड़ा सा ये लैग लेती थी, आरपीएम एकदम से डाउन हो जाते थे और हम जब रेस देते तो एकदम से जर्क सा लग रहा था थोड़ा सा पुल होने में। ओवरऑल इट्स अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस फॉर मी। सो गाइज अगर इसके प्राइस के हिसाब से देखूँ तो ये एक अच्छा पैकेज है। अगर आप क्रेटा से बड़ी चाहते हो, थोड़ी बड़ी मस्कुलर हैवी चाहते हो और जीप से थोड़ी सस्ती चाहते हो तो हैरियर एक गुड ऑप्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स यही थी आपके लिए टाटा हैरियर। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ गुड कार, नॉट अ बैड वर्क बाय टाटा। तो आप ले सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सेगमेंट में देखना चाहते हो तो आप जाइए टाटा के शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको ये गाड़ी कैसे लगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन बटन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। कोई क्वेश्चन आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। जाते जाते यही कहूँगा, स्टे अप, एंजॉय योर लाइफ, ऑलवेज ड्राइव सेफ। रोस्टर बन साइनिंग ऑफ। जय बजरंगबली।